हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नोकिया ब्रांड की तरफ से आने वाले एक बहुत ही कमाल के बजट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है नोकिया मेज प्रो 5G। एंड इस स्मार्टफोन का सबसे खास बात यह है कि इस स्मार्टफोन का पूरा लुक आपको डिट्टो आईफोन 14 की तरह देखने को मिलेगा। एंड अगर आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। इसका लुक एंड डिजाइन बिल्कुल आईफोन के तरह देखने को मिलेगा एंड दूसरे देखने में कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये नोकिया का फोन है। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन के सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर हमें क्या कुछ कमाल के स्पेक्स एंड फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर कब तक और कितने प्राइस के साथ देखने को मिलेगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना। साथ ही में अगर चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हो तो यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आइए दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक एंड डिजाइन के बारे में। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्मार्टफोन का डिजाइन बिल्कुल हमें आईफोन की तरह देखने को मिलेगा एंड देखने में बिल्कुल हूबहू आईफोन के जैसा देखने को मिलेगा। बस बैक साइड में आपको एप्पल का लोगो मिसिंग देखने को मिलेगा, उसकी जगह यहां पर आपको नोकिया का ब्रांडिंग दिया जाएगा। बाकी बैक साइड में मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा। बाकी अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सुपर एमोलेड पैनल का फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट साइड में आपको सेंटर पंचोल कटआउट देखने को मिलेगा एंड फ्रंट साइड से आपको लुक थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, बिकॉज आईफोन 14 के अंदर हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि वो चीज इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट आप ऐप की मदद से थर्ड पार्टी ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनका शेप बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड जैसा हमें देखने को मिलता है, तो इसको आप इंस्टॉल करके इसको फ्रंट साइड से भी बिल्कुल आईफोन के जैसा बना सकते हो। बाकी दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, HDR10 प्लस का सपोर्ट, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा परफेक्ट रहने वाला है। बाकी अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। एंड रियर साइड में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बिल्कुल आईफोन के कैमरा मॉड्यूल के साथ ही इसका डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। एंड रियर साइड में हमें प्राइमरी शूटर 108 MP के साथ देखने को मिलेगा, साथ ही में 16 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 5 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन के रियर साइड में आपको OIS भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से बहुत ही कमाल के स्टेबलाइजेशन वाले वीडियोस को कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरे की अगर दोस्तों बात करें तो फ्रंट साइड में 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड अगर इस स्मार्टफोन के वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के कैमरे से आप 4K 60 FPS तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि ये फीचर काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है। एंड एक बजट स्मार्टफोन के अंदर 4K 60 FPS प्रोवाइड करना अपने आप में काफी ज्यादा कमाल की बात हो जाती है। बाकी दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कैमरे के अंदर आपको कई सारे कमाल के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी हो सकते हैं एंड इनमें से कई सारे फीचर को आपको यूज करते टाइम काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। बाकी भाई दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अगर चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। परफॉर्मेंस की अगर दोस्तों बात करें तो अपकमिंग नोकिया मेज प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये वाला चिपसेट बहुत ही ज्यादा कमाल का चिपसेट है, इसकी मदद से आप इसके अंदर गेमिंग भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कर पाओगे। यहाँ पर आपको हीटिंग या फिर लैग वगैरह का इशू कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लाइक फ्री फायर एंड पबजी जैसे गेम्स को आप इसके अंदर बहुत इजी तरीके से प्ले कर पाओगे। बैटरी एंड चार्जिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इसके अंदर आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड यस, इसके बॉक्स के अंदर आपको 65W का फास्ट एडेप्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये चीज भी कमाल की रहने वाली है। बाकी चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा एंड 3.5 mm का ऑडियो जैक भी। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट सेंसर्स एंड यस डुअल स्टोरेज स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। सो दोस्तों, अपकमिंग नोकिया मेज प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर हमें इतने सारे कमाल के स्पेक्स एंड फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको इस स्मार्टफोन का सबसे कमाल का स्पेक्स
या फिर फीचर कौन सा लगा प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। बाकी भाई दोस्तों फाइनली हम लोग बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस और इंडिया रिलीज डेट के बारे में। प्राइस की अगर दोस्तों बात करें तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होगा जिसके अंदर हमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, इसका प्राइस में इंडिया के अंदर अंडर 20,000 रुपीज़ के साथ देखने को मिलेगा। एंड 20,000 के बजट में आपको एक आईफोन के लुक वाला स्मार्टफोन चाहिए वो भी एंड्रॉयड में, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इसका वेट कर सकते हो बिकॉज ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही कमाल की स्पेक्स के साथ देखने को मिलता ही है। बाकी यहाँ पर आपको डिजाइन बिल्कुल आईफोन 14 की तरह देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको शॉप के लिए फोन लेना है देन यस आप इसका डेफिनेटली वेट कर सकते हो। बाकी अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ब्रांड की तरफ से अभी ऑफिशियली इस स्मार्टफोन के इंडिया रिलीज डेट को लेकर कुछ भी दोस्तों अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी अगर नोकिया ब्रांड की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी कंफर्मेशन रिवील होता है इस स्मार्टफोन को लेकर सो मैं इस पे वीडियो बना के आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उस वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में कमेंट बॉक्स में यार जरूर से बता देना। एंड आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।